हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इंटरनीट। क्या हाल है आप सभी के? आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो भी प्लान कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फॉर यूजी पीजी या पीएचडी जिस भी कोर्सेज के लिए, लेकिन हम वीडियो लेके आए हैं यूजी वाले बच्चों के लिए कि जो भी अंडर ग्रेजुएट जो भी करेंटली अभी क्लास ट्वेल्थ में बच्चे हैं और प्लान कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को और बीबीए बीकॉम बीजेएमसी होटल मैनेजमेंट बीसीए इन सभी कोर्सेज के लिए, तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे फॉर्म हम बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं, कौन सी डेट को करेंगे और एडमिशन प्रोस्पेक्टस कब रिलीज हो जाएगा, तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये मान के बैठे हैं यार कि हमें गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारा एडमिशन CUET के स्कोर कार्ड पर भी हो जाएगा। मेरी बात को दोबारा समझना कि ये मान के बैठे कि हमारा एडमिशन CUET के स्कोर कार्ड पर भी हो जाएगा, पर भी ऐसा नहीं है उसी पर होगा। उसका कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि IP यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस भी लेगा और CUET के स्कोर कार्ड पर भी एडमिशन लेगा, लेकिन वो कैसे? अब आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूज कर रहे हो, आप दोनों बातें कह रहे हो यार कि IP अपना भी लेगा और CUET पे भी लेगा, कैसे? तो मुझे कौन सा देना है उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इन डिटेल बात करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में CUET के स्कोर कार्ड का रोल क्या रहने वाला है और IPU का अपना रोल क्या रहेगा, उसका जो एंट्रेंस होता है कॉमन एंट्रेंस है, लेकिन मैंने कहा वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब हम जाएंगे IP यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब जितने भी एप्लीकेंट्स हैं क्योंकि सेशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भी कहते हैं कि सर मुझे ऑफिशियल वेबसाइट मिल नहीं रही है, तो बेटा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी दो, वो है IPU.admission.nic.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से कर लेना क्योंकि बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन है जो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि एडमिशन फॉर्म की डेट अब हम आ जाते हैं, जब आप इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर देखो कि दो नोटिस आए हुए हैं, दो करेंट नोटिस आए हुए हैं, एक उन बच्चों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम आ जाते हैं जो सबसे पहला नोटिस आया है। ये नोटिस काफ़ी पहले आ गया था, मैं माफ़ी चाहूँगा यार मैं ही लेट आया हूँ, नोटिस तो काफ़ी पहले आ चुका था और अगर पहले ले आता ना तो अभी तक भूल जाते, तो मैं माफ़ी अपनी वापस ले रहा हूँ क्योंकि आप देखते नहीं, ठीक है। चलो अब ये नोटिस आया था 11 जनवरी को, 11th of January को ये नोटिस आया था जिसमें IPU ने बताया हुआ है कि वो UG के एडमिशन कैसे लेगा। वहाँ पे मैंने दोबारा कहा कि UG के एडमिशन पे हम कैसे लेगा, उस पर एक अलग वीडियो पे हम बात करेंगे जो इन डिटेल वीडियो होगी कि एडमिशन कैसे होगा। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखो IP यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी प्रोसेस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, 1st February 2022 इन वेरियस प्रोग्राम जो UG PG और PhD कोर्सेज के लिए सभी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो जाएंगे 1st February से। तो अपने अपने कुर्सियों की पेटी बांध लो बेटा, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है, 22 तारीख से बोर्ड है, बोर्ड से पहले अपने एक काम जरूर करना कि जितने भी फॉर्म रिलीज हुए हैं उनको फिल जरूर कर लेना क्योंकि एक बार जब बोर्ड स्टार्ट हो गए तो अपनी कुर्सियों की पेटी खोल नहीं पाओगे, बोर्ड खोलने नहीं देगा, घर वाले भी नहीं खोलने देंगे, वो कहेंगे पहले ये कर ले बाद में ध्यान देना। और एक चीज़ और, जब तक बोर्ड से फ्री होगे तब तक सारे जो फॉर्म्स की लास्ट डेट है वो निकल जाएगी हाथ से, तो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को स्टार्ट होने से पहले ही जो ड्रॉपर्स हैं वो तो भाई कभी भी भर लो, लेकिन जो क्लास ट्वेल्थ वाले करंट अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो इन फॉर्म्स को पहले ही भर लेना। भरना कैसे है उसकी भी चिंता मत करो यार, इस चैनल पे सारी सुविधा है, मैंने कहा ना कि योर वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑल योर एंट्रेंस नीड, तो यहाँ पे सारी ही सुविधाएं मिलेंगी आपको, घबराना नहीं है किसी भी बात से, तो सारी ही समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आपके पास आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इन डिटेल वीडियो मिल जाएगी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। अभी हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इस नोटिस को कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो रिलीज हो जाएंगे, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1st February से रिलीज हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो 29th January को अपना यूजी का जो प्रोस्पेक्टस है वो शेयर कर लेंगे जहां पे आप चेक कर पाओगे यार कि कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जाम पैटर्न्स पे ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूं मैं, अगर आप लोग कोई भी ऐसा बच्चा है जो BBA के लिए अप्लाई करना चाहता है इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो मेरी इस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, इन डिटेल वीडियो है,
गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बीबीए के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एग्जाम डेट है आपकी, जो फॉर्म है वो रिलीज हो जाएंगे 1st of February को, और उसका जो प्रोस्पेक्टस आ जाएगा वो आ जाएगा 29th को। जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा उस पर हम चर्चा दोबारा करेंगे, जिस दिन आएगा उस दिन आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि 1 तारीख से फॉर्म निकलने वाले हैं और हम 2 तारीख को भरेंगे उस फॉर्म को, 1 तारीख को नहीं भरेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।